हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, बिल्कुल जीरो सब्सक्राइबर से चैनल मोनेटाइजेशन तक का जो मेरा सफ़र रहा है दोस्तों, उसमें मैंने क्या क्या गलतियां करी दोस्तों, उसके बारे में आज इसकी वीडियो में बात करने वाला दोस्तों। बहुत सारे भाइयों का कमेंट आ रहा था कि सर आप कैसे अपना चैनल मोनेटाइज करवा लिए, तो मैं सोचा दोस्तों कि मैं एक वीडियो ही प्रॉपर बना दूँ, क्योंकि आपने ऐसा वीडियो तो बहुत सारा देखा होगा दोस्तों कि जीरो से मिलियन तक का सब्सक्राइबर का सफ़र। तो मैं सोचा दोस्तों जो बेसिक चीज़ है दोस्तों, पहला तो चैनल ही मोनेटाइज करवाना होता है, तो सबसे पहला स्टेप यही होता है दोस्तों। तो मैं सोचा कि इस पर एक वीडियो बना दूँ। तो दोस्तों, उस दौरान मैंने क्या क्या गलतियाँ करी वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। अगर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लोगे दोस्तों, तो आपको आई होप कि आप अपना चैनल को भी जल्दी से मोनेटाइज करवा लोगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों कि मैंने 11 मंथ मेरे को पूरा पूरा लग गया दोस्तों चैनल मोनेटाइज होने में, जिसका दो गलती था दोस्तों, जो दो गलती की वजह से मेरे को इतना ज़्यादा टाइम लग गया। वो दो गलती मैं आपको वीडियो को लास्ट में बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। पहले मैं आपको ये सारा कुछ मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद वो दो गलती आपको बताऊँगा, जब ही आपको सारा कुछ समझ में आएगा। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों कि मैंने पिछले साल 2020 में, जैसे ही मतलब लॉकडाउन लगा, उसके बाद मैंने 6 अप्रैल 2020 को मैंने चैनल ओपन किया दोस्तों। उसके बाद मैं कंटिन्यू वीडियो अपलोड करता रहा 3 महीने तक, एटलीस्ट 3 महीने तक मैं कंटिन्यू वीडियो अपलोड किया। उसके बाद मैं फ़िलहाल गांव चला गया था। गांव जाने के बाद जब वीडियो व्यूज नहीं आता दोस्तों, सेम आप वाला ही कंडीशन मेरे साथ भी हुआ दोस्तों, कि मैं बिल्कुल डीमोटिवेट हो गया था। मैं वीडियो बिल्कुल 2-4 दिन पे करके अपलोड करता था, फिर धीरे धीरे करके 15 दिन पे अपलोड करने लगा, फिर धीरे धीरे 2-2 महीना मेरा चैनल का मतलब वीडियो अपलोड किए हुए गैप हो जाता था दोस्तों। बिल्कुल डीमोटिवेट हो गया था दोस्तों, काफ़ी मतलब परेशान हो गया था कि व्यूज नहीं आता था, इसके वजह से मैं वीडियो अपलोड करना ही बंद कर दिया था। उसके बाद कुछ दिन बीता दोस्तों, उसके बाद मैं फिर वापस आया दिल्ली। उसके बाद आने के बाद दोस्तों, मैंने अपने आप से एक चैलेंज लिया कि मेरे को अब 3 महीने कंटिन्यू बिना व्यूज देखे कंटिन्यू मेरे को वीडियो अपलोड करना है। तो ये चीज़ मैंने किया दोस्तों अपने चैनल पर। उसी बीच दोस्तों, कुछ ही दिन पहले एक शॉर्ट का वो आया था, मतलब शॉर्ट सेक्शन का अपडेट आया यूट्यूब में, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट था दोस्तों। उसी के जरिए आज मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ। मैं एक शॉर्ट वीडियो तो एक नॉर्मल वीडियो, एक शॉर्ट वीडियो एक नॉर्मल वीडियो डेली अपलोड करता रहा दोस्तों, बिना व्यूज देखे। मेरे को व्यूज से कोई मतलब नहीं होता था, बस वीडियो अपलोड करता रहा। और फाइनली 1 महीना के अंदर अंदर मतलब एक मेरा वीडियो मोटू वाला वायरल हो गया। और जैसे ही वो वीडियो वायरल हुआ दोस्तों, एक वीडियो वायरल हुआ, मेरा सारा क्राइटेरिया पूरा हो गया और 26 मार्च को मेरा चैनल जो है बिल्कुल मोनेटाइज कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो ये चीज़ हुआ दोस्तों इन मतलब 1 साल 11 मंथ के अंदर में मेरे साथ दोस्तों। तो अब मैं आपको ये दो गलतियाँ बता दूँ दोस्तों, जो मेरे को इतना ज़्यादा टाइम लग गया। मैंने दो गलतियाँ कौन कौन सी करी थी जो आपको नहीं करना है। तो सबसे पहला गलती दोस्तों, कि मैं अपना स्ट्रेंथ ना देख करके किसी और का कंटेंट देखता था कि उस पर ज़्यादा व्यूज आ रहा, तो मैं भी उसी का ड्राइंग बनाता था। किसी और चैनल पर देखता था कि उस पर ज़्यादा व्यूज आ रहा दोस्तों, तो मैं उसका ड्राइंग बना देता था। ये मेरी सबसे पहली गलती थी, बहुत बड़ी गलती थी, जिसके वजह से मैं अपना जो अपना बेसिक टैलेंट है, जो अपना वो टैलेंट है बेसिक टैलेंट, मैं उसको नहीं पहचान पाया। मैं दूसरों का कॉपी कर करके अपना मतलब चैनल पर अपलोड करता था कि उस पर व्यूज ज़्यादा है, तो वही चीज़ मैं भी बना देता था। ये मेरा सबसे पहला गलती था दोस्तों। तो ये चीज़ मेरे को मतलब 8-9 महीने के बाद रियलाइज़ हुआ, फिर मैंने छोड़ ही दिया दूसरे का देख करके बनाना। मेरे को जो दिल में आता था, जो मेरे को पसंद आता था, वो चीज़ मैं बना करके अपलोड करा। और दूसरी गलती, सबसे बड़ी गलती जो हर यूट्यूबर करता है दोस्तों, जो भी मतलब ड्राइंग से, जिनका भी जो ड्राइंग का चैनल है दोस्तों, वो सब गलती करते हैं। ये सबसे पहला गलती, आप इसको बिल्कुल बारीकी से समझना, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सबसे पहला गलती करते हैं दोस्तों कि हम जो भी चैनल बनाते हैं ड्राइंग का, हम वीडियो बनाने के लिए ड्राइंग बनाते हैं। ये सबसे पहला गलती है। हम ये चीज़ नहीं देखते हैं कि मतलब ड्राइंग मेरा अच्छा बने या ना बने, बस एक ड्राइंग बना लेना है, उसका वीडियो शूट कर लेना है और उसको उठा करके चैनल पर डाल देना है। ये गलती मैं कंटिन्यू कम से कम 8-9 महीने मैं भी किया, जिसकी वजह से मेरे चैनल पर एक भी व्यूज नहीं आता था दोस्तों। यही चीज़ आज मैं देखता हूँ, ज़्यादातर चैनल यही गलती करते हैं कि मतलब अपना वीडियो शूट करने के लिए ही वो ड्राइंग बनाते हैं, जो कि ये नहीं होना चाहिए। आपको अच्छा ड्राइंग बनाना है, उसका वीडियो शूट करके चैनल पर अपलोड करना है। पहले आप यहाँ पे बारीकी से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको वीडियो के लिए ड्राइंग नहीं बनाना है, समझे? आपको वीडियो के लिए ड्राइंग नहीं बनाना है, आपको ड्राइंग अच्छा बनाना है, उसका वीडियो शूट करके चैनल पर अपलोड करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों। ये चीज़ मेरे को अभी तक किसी ने नहीं बताया था, जिसकी वजह से मेरे को इतना ज़्यादा टाइम लग गया। मैंने ये 11 मंथ में रियलाइज़ किया। मैं भी ऐसे ही बनाता था, नॉर्मल आया, पेन लिया,
एक पेपर लिया, मैं उस पर ड्राइंग बनाता था, वीडियो शूट करता था, डाल देता था, बट उसमें इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता था, ड्राइंग उतना अच्छा मैं नहीं बनाता था, क्योंकि मैं वीडियो के लिए ड्राइंग बनाता था, ड्राइंग अच्छा नहीं बनाता था, उसका वीडियो शूट नहीं करता था, मैं वीडियो के लिए ही ड्राइंग बनाता था। तो ये चीज़ सारे लोग करते हैं दोस्तों, तो आप वीडियो के लिए ड्राइंग ना बनाएं, आप एक अच्छा अपना जो स्किल है, अपना जो टैलेंट है, आप उस टैलेंट के दम पे आप एक अच्छा ड्राइंग बनाएं, उसका वीडियो शूट करके चैनल पर अपलोड करें। आई होप कि आपका 110% चैनल ग्रो करेगा। और साथ में दोस्तों, शॉर्ट का सबसे प्लस पॉइंट है आज के यूट्यूबर को, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, जो यूट्यूब शॉर्ट्स का अपडेट आया है। अब जितना ज़्यादा हो सके कंटिन्यू आप अच्छा से अच्छा, ठीक है, अच्छा से अच्छा मतलब शॉर्ट वीडियो में आप अपलोड करें। शॉर्ट वीडियो तो डेली आपको अपलोड करना चाहिए, ये मेरा सजेशन है दोस्तों कि आप डेली अपलोड करो, एक न एक वीडियो आपका कन्फर्म वायरल होगा दोस्तों, ये मेरा गारंटी है। आप डेली एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करो, जो भी आप बिगिनर्स हो, जो भी आप अपना नया चैनल बनाए हो ड्राइंग का, तो आप एक डेली मतलब आप एक डेली शॉर्ट वीडियो अपलोड करो। नॉर्मल आपका एक दिन गैपिंग भी हो जाता है नॉर्मल वीडियो में, तो कोई दिक्कत नहीं, बट शॉर्ट वीडियो आपको डेली, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप दो बना सकते हो, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो पढ़ाई करते हुए आप पार्ट टाइम में भी आप एक शॉर्ट वीडियो बना सकते हो, शॉर्ट वीडियो बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, प्लस में उसका एडिटिंग में कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, आप सिंपल उसको टाइम लैप्स कर दो, 15 सेकंड का कर दो। तो ये दो गलती था दोस्तों जो मैंने बहुत बार किया, इसके वजह से मेरे को 11 मंथ लग गए दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये चीज़ दो गलती समझ में आ गई होगी। पहली गलती कि आपको किसी का देख करके वो ड्राइंग नहीं बना करके डालना है, ठीक है, आपका जो स्ट्रेंथ है, आपको जो अच्छा लगता है ड्राइंग में, आप उसका ड्राइंग बना करके अपलोड कीजिए। और दूसरी चीज़ कि आप वीडियो बनाने के लिए ड्राइंग मत बनाइए, आप अच्छा ड्राइंग बनाइए, उसका वीडियो शूट कीजिए और उसको चैनल पर अपलोड कीजिए। ये सबसे दो इम्पोर्टेंट बात था दोस्तों, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो पूरी गारंटी है मेरी कि आपका चैनल 100% ग्रो होगा, ठीक है दोस्तों। ये दो गलती मैंने किया, 0 से मेरे को चैनल मोनेटाइज करने तक का जो 11 मंथ लग गया, इसमें मैंने यही गलती करी, उससे मैंने सीखा, आने के बाद वापस मैंने 1 महीना उसको हटा करके अपने स्ट्रेंथ पर काम किया, तो मेरा चैनल ग्रो हो गया। तो आई होप कि आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई होगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आप इस चीज़ को अप्लाई करो अपने चैनल पर और अपने अंदर लाओ कि आपको किसी का देख करके वीडियो नहीं बनाना, आपका जो स्ट्रेंथ है, आपको जो अच्छा लगता है उस चीज़ का आप ड्राइंग बना करके उसको अच्छे से प्रेजेंटेशन करके एडिटिंग में उसको अपलोड कीजिए। आई होप कि आपका चैनल 100% ग्रो होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और कमेंट में बताना अगर कहाँ पर कोई चीज़ मिसिंग हुआ हो तो नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।